नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केल को लेके। स्केल को लेके कई नए सिंगर्स में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जिसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा एक इस क्विक वीडियो में। जब हम गायन में स्केल का बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या गा रहे हैं। अगर हम शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं तो उसमें एक फिक्स्ड स्केल होता है, वो स्केल जिसपे सिंगर रियाज करता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि स्केल होता क्या है। स्केल को हिंदी में स्वरग्राम कहते हैं। स्केल गाने का आधार होता है, दायरा होता है जिसके भीतर पूरा गाना होता है। स्केल में एक आधार स्वर होता है जिसे इंग्लिश में रूट नोट कहते हैं, और यही आपका सा होता है। शास्त्रीय संगीत में और रियाज के लिए ये सा आपका फिक्स्ड होता है। जैसे मेरा सी शार्प है, आपका हो सकता है डी हो, जी शार्प हो, ए शार्प हो, कुछ भी, लेकिन ये फिक्स्ड रहता है। और लाइट म्यूजिक की जब बात आती है तो ये सा बदलता रहता है गाने के हिसाब से। सा से मैंने शुरू किया, सा पे मैंने खत्म किया, सी शार्प पे मैंने शुरू किया, सी शार्प पे मैंने शुरू किया और सी शार्प पे मैंने खत्म किया। और बंदिश भी मैं इसे स्केल से गाऊंगा। बहुत दिन बीते, दिन बीते, बहुत दिन बीते, दिन बीते, आज हूँ नाए मोरे शाम, आज हूँ नाए मोरे शाम, बहुत दिन बीते। ठीक है, तो ये मैं राग पुरिया कल्याण गा रहा हूँ, इस राग की बंदिश गा रहा हूँ, बहुत दिन बीते। लेकिन मेरा स्केल क्या है? शेष आप, मैं यहीं से रियाज करता हूँ। रियाज कैसे करता हूँ? सा 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 रे 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 गा गा, सा सा रे रे गा गा रे रे, सा सा रे रे गा गा रे रे, सा सा नी नी गा गा गा। तो मैं शेष आप से शुरू करूँगा, शेष आप से खत्म करूँगा। लेकिन अगर हम फिल्मी सॉन्ग्स गा रहे हैं, लाइट म्यूजिक गा रहे हैं, गजल्स गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, उनमें स्केल बदलते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर क्या आपने समझा? आपने ये समझा कि शास्त्रीय संगीत में स्केल फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं है। अगर सी शार्प आपका स्केल है, पहला काला आपका स्केल है, या चौथा काला आपका स्केल है, या पांचवा काला आपका स्केल है, तो शास्त्रीय संगीत आप उसी स्केल से गाएंगे। लेकिन अगर आप फिल्मी सॉन्ग्स गाते हैं, आप वैसा स्केल चुनते हैं उस गाने को गाने के लिए जिससे उस गाने में खूबसूरती आती है। आप ना तो बहुत हाई स्केल ले लेते हैं, ना बहुत लो स्केल ले लेते हैं, जिससे उस गाने की खूबसूरती बिगड़ जाए। तो शास्त्रीय संगीत में स्केल फिक्स्ड होता है, और लाइट म्यूजिक में स्केल गाने के हिसाब से बदलता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैं अभी अगर कोई राग गाऊं, तो मैं वहीं से गाऊंगा, मैं उसी जगह से राग को गाऊंगा जहां से मैं नियमित रियाज करता हूं, जिस स्केल से मैं अपने गले को तैयार करता हूं, राग में उसी स्केल से गाऊंगा। मेरा स्केल है सी शार्प, यानी पहला काला। अगर मैं कोई फिल्मी गाना गाने जा रहा हूं तो वहां ये जरूरी नहीं है कि ये स्केल चलेगा। सपोज दैट कोई सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है एफ शार्प मेजर पे, जैसे सा गा पा गा सा। अब यहां पे क्या हो गया दोस्तों, यहां पे क्या हो गया दोस्तों, रियाज में मेरा स्केल था सी शार्प, लेकिन गाने का स्केल है एफ शार्प। तो यहाँ पे गाने से पहले मैं ये देखूँगा कि मेरे वोकल रेंज में एफ शार्प का स्केल आ रहा है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जा रहा है तो मैं एफ शार्प से घटाने की कोशिश करूँगा। पहले हाफ नोट घटाऊँगा, मैं एफ कर दूँगा, इस पे ऊंचा होगा तो मैं ई कर दूँगा, और मुझे, और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि स्केल बहुत ही सावधानी से हमें चुनना चाहिए किसी गाने का, ताकि गाने की खूबसूरती बनी रहे, गाने के जो आस है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। इसीलिए हमें ना बहुत नीचा स्केल चुनना है, ना बहुत ऊंचा स्केल चुनना है। तो
अगर एफ शार्प मेजर में मैं गा पा रहा हूँ अच्छे से, तो मैं गाने को उसी स्केल में गाऊंगा जिस स्केल में गाना रिकॉर्ड हुआ है। नैनो तेरे कजरारे हैं, नैनो पे हम दिल हारे हैं, नैनो तेरे कजरारे हैं, नैनो पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनो ने वादे किए कई सारे हैं। तो आपने फर्क समझा कि गाने का स्केल अलग होता है, मतलब लाइट म्यूजिक जिसमें फिल्मी सॉन्ग्स आते हैं, गजल्स आते हैं, भजन आते हैं, उनमें अपने वोकल रेंज के हिसाब से आपको स्केल चुनना होता है, और शास्त्रीय संगीत जब आप गाते हैं तो आपका स्केल फिक्स्ड होता है, बस इतनी सी बात है। और स्केल कैसे चुना जाता है इस पर पहले से ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल देता हूं ताकि आप देखें सारे कन्फ्यूजन दूर। और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि उस गाने में सबसे ऊंचा सुर कौन सा लगा है, अगर आप ऊंचे सुर को पहचान पाएंगे आप तो सही स्केल आप चुन लेंगे और उस गाने को अच्छे से गा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने मेरे नए गीत को देखा, कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। लड़ते रहेंगे यूं ही तब तक, आत्मनिर्भर होंगे अब हम सब, दुनिया लीड करेगा नया भारत, बढ़ते रहेंगे।